गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल Inside Organon. वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी एंड टूडेज टॉपिक इज वेरी इजी येट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज ड्रग मेडिसिन एंड रेमिडी. ठीक है, ड्रग मेडिसिन और रेमिडी साइमल्टेनियसली टर्म यूज किया जाता है, बट इन तीनों टर्म्स में स्लाइट डिफरेंसेस हैं. ठीक है, टॉकिंग अबाउट ड्रग, ड्रग क्या होता है? ड्रग इज अ थेरापेटिक एजेंट प्रिपेयर्ड फार्मास्यूटिकली फ्रॉम स्टैंडर्ड ड्रग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फार्माकोपिया विच इज सफिशियंटली कैपेबल ऑफ एफेक्टिंग द सेंसेशंस एंड फंक्शंस इवन स्ट्रक्चरल चेंज एंड मे इवन कॉज डेथ इफ कंटिन्यूड फॉर सफिशियंट टाइम. ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें किसी पर्सन को ट्रीट करने की, क्योर करने की, उसको बीमारी मतलब उसके अंदर देने की, प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है, हम उसे ड्रग सब्सटेंस कहते हैं. ड्रग सब्सटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं? जैसे मदर टिंचर, आप जानते हो दैट जो मदर टिंचर का प्रिपरेशन होता है वो अल्कोहल में ड्रग सब्सटेंस को सॉल्युबल करके बनाया जाता है. मदर सॉल्यूशन होता है जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहलिक होता है, और इसमें भी एक्वस सॉल्वेंट या फिर अल्कोहल यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया ड्रग. ड्रग क्या है? कोई भी थेरापेटिक एजेंट जो कि पर्सन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के और उसके बॉडी में कोई भी डिजीज रिड्यूस करने के काम आता है, दैट इज ड्रग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज मेडिसिन. ठीक है, मेडिसिन क्या है? जब जो ड्रग है उसको पोटेंटाइज कर दिया जाता है होम्योपैथिकली और उसको प्रूव कर दिया जाता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ऑफ डिफरेंट सेक्स वेरिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उसे क्या कहते हैं? मेडिसिन. सो बेसिकली जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस था उसको हम कह रहे थे ड्रग. जो पोटेंटाइज करके उस ड्रग सब्सटेंस को बनाया गया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रैचुरेशन और सकशन, दैट डायनामिकली एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इज नोन एज मेडिसिन. बट मेडिसिन की खास बात क्या होती है? उसकी प्रूविंग हो चुकी होती है हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन एंड डिस्कसिंग द लास्ट पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर एंड दैट इज रेमिडी. ठीक है, रेमिडी क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर मेडिसिन, ठीक है, प्रेस्क्राइब की जाती है एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए उसके सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेमिडी. ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत इजी है कि सपोज नक्स वॉमिका है, ठीक है, उसका जो मदर टिंचर है वो ड्रग है, वो थेरापेटिक और क्रूड फॉर्म है. अब जब उसको पोटेंटाइज कर दिया गया नक्स वॉमिका 30, उसकी पोटेंसी भी है एक, नाउ दैट इज अ मेडिसिन. और जब उस मेडिसिन को आपने सपोज स्लीपलेसनेस के लिए, सपोज डायरिया के लिए या किसी और गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए उसको प्रेस्क्राइब कर दिया और वो किसी पर्सन को ट्रीट करने के काम आ रही है, दैट बिकम्स रेमेडी. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन. आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड मैं डेली होम्योपैथिक फार्मेसी का एक लेक्चर एग्जाम बेस्ड आपके साथ शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर आप उसे मिस नहीं करना चाहते. सो ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स. थैंक यू.